शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म कबीर सिंह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म में शाहिद कबीर सिंह के किरदार में दिखाई देंगे। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। ये टीजर दर्शकों को बेहद पसंद आया। आपको बता दें कि फिल्म कबीर सिंह साल 2017 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे मुख्य किरदार में नजर आए थे। वहीं इस फिल्म का निर्देशन संदीप वांगा ने किया था, तो वहीं अर्जुन रेड्डी का हिंदी वर्जन कबीर सिंह को भी संदीप वांगा ही निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन अब कबीर सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मेकर्स ने इस फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए ट्रेलर रिलीज होने की घोषणा कर दी है। फिल्म का ट्रेलर इसी महीने 13 मई को दर्शकों के लिए जारी किया जाएगा। शाहिद कपूर ने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने नया पोस्टर जारी करते हुए लिखा, ट्रेलर आउट 13 मई। आपको बता दें कि कबीर सिंह के जारी पोस्टर में शाहिद कपूर के अलावा कियारा आडवाणी भी दिखाई दे रही हैं। रिलीज हुए इस पोस्टर में शाहिद और कियारा के कुछ सीन्स नजर आ रहे हैं। कबीर सिंह में शाहिद कपूर के अपोजिट कियारा आडवाणी दिखाई देंगी। ये पहली बार होगा जब किसी फिल्म में दोनों साथ काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। कबीर सिंह में एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई जाएगी जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, साथ ही वो एक पागल प्रेमी भी है। वो फिल्म में कियारा आडवाणी के प्यार में पागल होकर शराब और ड्रग्स एडिक्ट बन जाता है। खैर, कबीर सिंह इस साल 21 जून को रिलीज हो रही है। इससे पहले दर्शकों को ट्रेलर का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। बात अगर शाहिद कपूर की करें तो पिछले दिनों वो बत्ती गुल मीटर चालू में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनके अपोजिट श्रद्धा कपूर नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। आप कबीर सिंह के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।